अलैक्म सर मेरा नाम पलवश्रा है एंड आई एम फ्राम लक्की मरवर एंड सर फर्स्ट ऑफ ऑल अलहमदुल्लह एंड थैंक यू सो मच कि आपने मौका दिया है क्वेश्चन का सर मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ सर वहाँ पे फॉर एंड माई उर्दू प्लीज मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ सर तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कम्प्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है वहाँ ख़वात घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं जाती सर वहाँ पे औरतें जो हैं वो घरों में रहती हैं एंड मर्द कोई नमाज नहीं पदा करते और हर शब जुम्मे को जो तबलीग जमात के या जितने भी दवा होते हैं दावत के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शब जुमह को तो सर वहाँ पर जाते हैं रिसेंटली एक बहुत बड़ा तबलीग अजतमा भी हो गया सर वहाँ पर और हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस और यानी उनका सोशल कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस पे है बट सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके wisdom के मद्देनजर यानी अकॉर्डिंग टू यू क्या रीजन हो सकती है कि सर पे ड्रग एडिक्शन एडल्ट्री पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं एंड सर वहां पे जो अच्छा सर एक मुझे आप के बयान के बीच में एक सवाल मेरे माइंड में आए वो भी साथ ही पूछ लेती हूँ एक एक सवाल पूछिए भी ओके सर और शॉर्ट शॉर्ट सर सर तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलेप्स हो रही है एंड हाँ। हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को भिन का सवाल है कि उनके माशरे में जहाँ वो आती है वो खातन बहुत इस्लामिक खातन है वो घर के बाहर जरूरत के बिना बाहर नहीं निकलती मैं भी घर के बाहर जरूरत के बिना नहीं निकलता हूँ और मर्द को भी घर के बाहर जरूरत के बिना नहीं निकलना चाहिए हाँ के नहीं आप निकलते जरूरत के बिना बाहर कोई निकलता है यहाँ भी नहीं निकलते माशाल्लाह आपका सवाल है कि आपके माशरे में माशाल्लाह बहुत असल इस्लामिक है इज्तमा होता है लेकिन वहां पीडो अगर मैं सही सुनाऊ बहुत कॉमन है एग्जैक्टली सर और आपने कहा कि जिना भी कॉमन है सर अभी आ, होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है एंड स्पेसिफिकली पेडो जो कि बच्चों को मेनिपुलेट कर लेते हैं और वो फिर उन बच्चों को वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है सर ये बहुत बड़ा गुना है जो वहाँ होता है जी आपके कोई सवाल में तकरार है आप कहते मेरा माशरा इस्लामी के फिर बोलते पीडो है सर ये कह रही हूँ कि वही पेडो फाइल्स आपने सवाल पूछा आप खामोश लेंगी आपने सवाल खत्म हो गया ना जवाब सुनना चाहती क्या आप सुनना चाहती तो आपका सवाल खत्म अभी मेरा जवाब सुनिए आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रोडिक्शन है आपने कहा मेरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है दोनों में टकरा रहे कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट ये मुमकिन ही नहीं है बौद्ध इस्लामिक को चोरी कर रहा है मुमकिन ही नहीं है आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है पहले बार या दूसरे बारिडो फाइल फाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना हो ही नहीं सकता कौन से इस्लामिक किताब इस्लामिक लिखा हुआ है कुरान मस्जिद में लिखे है कौन सा, सा पीडो फाइल करना चाहिए कौन से आदीस में लिखे है आपका ये कहना या पहले बार गलत है दूसरे बार दोनों बार तो सही इसीलिए आपके सवाल में तकरार है आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है बुद्ध इस्लामिक है, तो मानूंगा ये बोलना इस्लामिक है खुवान बाहर निकलते ने जरूरत के बिना अने आदमी लोग निकलते बाहर जरूरत के बिना ये तो प्रॉब्लम है क्या जरूरत है पिडोफिलिया इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले दस बार सोचो अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन आपको माफी मांगना चाहिए क्या आपका सवाल गलत है आ, सर मेरा ये ये सवाल है कि वहां पे यही रिलीफ बहन 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 जी आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म ओके सर मेरे सवाल की नोयत गलत है नौत गलत नहीं सवाल गलत है आप गलत है आप ये इल्जाम लगा रहे हैं आपके माशरे पे पहला कहते इस्लामिक है फिर कहते पीडोफिल दोनों गलत है दोनों में से एक तो सही रहेगा या एक गलत रहेगा ये क्या होता है आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते हैं दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है ना उस बेल्ला किधर कुरान में लिखे लगा बच्चों लोग के साथ जिना करो तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है इल्जाम लगाओ सवाल पूछो कुछ भी दो कुरान मजिद में लिखा है सुरहजरात में कुरान नंबर उन पचास फोर्टी नाइन आयत नंबर छह जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं हजारों का मजमा है बीस हजार पच्चीस हजार और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है फिर कोई पीडो फैलिया आप इस्लाम पे तो लगा रहे मेरी बहन और आप माफी भी नहीं मांग रहे ये होता है गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को